दोस्तों आप लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आपको पता ही होगा माइनक्राफ्ट का आने वाला है 1.20 का अपडेट। बट 1.20 का जो अपडेट है वो कब आने वाला है या 1.20 का अपडेट के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले या क्या क्या न्यू न्यू आइटम ऐड होने वाले सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एंड मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ 1.20 का अपडेट आएगा बट ऐसा कर करके 1.90 का बहुत सारा वर्सन आ गया बट अभी तक 1.20 का अपडेट नहीं आया। फाइनली 1.20 का अपडेट आ रहा है माइनक्राफ्ट का। एंड 1.20 का जो अपडेट होगा वो कब होने वाले, रिलीज डेट क्या है वो भी बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर न्यू आ रहा हो तो आपको क्या करने पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो घंटी है उसको भी ऑल पर दबा देना। और मेरा एक छोटा सा चैनल है, थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर देना। और 1.20 का अपडेट के बारे में बहुत सारा यूट्यूबर वीडियो बना दिया है तो मैं भी थोड़ा बहुत वीडियो देखा हूँ यूट्यूब के अंदर जाकर, करीब करीब मतलब 12-13 वीडियो ऑलरेडी देख लिया हूँ। और उसके अंदर से जो भी अच्छा एक वीडियो लगा उस वीडियो के अंदर मैं आज रिएक्शन देने वाला हूँ। देखते हैं 1.20 का अपडेट के अंदर क्या क्या चेंज होने वाला है। मैं तो थोड़ा बहुत देखा हूँ, मतलब समझ में हाँ वो कौन सा चीज़ आने वाला है थोड़ा बहुत पता चल गया, इसलिए जो मतलब सबसे अच्छा वीडियो बनाया उस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत मैं रिएक्शन दूंगा हाँ सच में आएगा या नहीं। मैं थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लिया हूँ हाँ, वो मतलब क्या क्या आइटम आ रहा है नहीं आ रहा है सब कुछ मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया हूँ। बट वीडियो बनाने का अभी हाथ में मेरा टाइम नहीं है, थोड़ा मैं बिजी हूँ इसलिए मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। और सच में वो आ रहा है या नहीं वो तो पता चल जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलो वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों मैं तो पहन लिया हूँ हेडफोन एंड जो वीडियो मैं आज देखने वाला हूँ वो वीडियो बनाया है ब्लैक क्लू गेमिंग ने। तो वीडियो का लिंक ऑलरेडी इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग चाहो तो ओरिजिनल वीडियो देख सकते हो। तो माइनक्राफ्ट के 1.20 में आने वाली है काफी सारी नई चीजें और एक एक करके वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे अगर माइनक्राफ्ट का पास्ट देखा जाए तो हर एक अपडेट का नाम होता है लेकिन इस अपडेट का अभी तक कोई नाम नहीं है। तो पहली चीज इसमें आने वाली है हमारा क्रिएट न्यू वर्ल्ड का ऑप्शन जो कि बिल्कुल बदल दिया गया है। ये जावा में भी बदला और बेडरॉक में भी बदला है। अब यहाँ पर चीजें बदल गई है, जैसे गेम का यहाँ पर नाम वगैरह रख सकते हैं, वर्ल्ड का ऑप्शन है, ये मोर का ऑप्शन है, तीनों चीजें अलग अलग कर दी है। इसी के साथ जब हम अपने क्रिएटिव मोड की अपनी ये टैब खोलते तो इसको भी पूरा बदल दिया गया है। यहाँ पर अब सारी चीजों को अलग अलग कर दिया गया है, जैसे रेडिसोन ब्लॉक अलग है, ये फंक्शनल ब्लॉक अलग है, ये स्पोन एक्स है, लेकिन हमारी इंचेंटमेंट की बुक्स कहाँ पर रखी हुई है? ओके, इंग्रेडिएंट्स में चली गई है वो, मतलब सब चलो अलग अलग सही कर है दिया। साथ ही जो मोब स्पोन नहीं हुआ करते थे उनके भी अंडे आ चुके हैं, जैसे आयरन गोलम है और स्नो गोलम है तो इनके अंडे भी आ चुके हैं, क्योंकि अब मैं ऐसे भी स्पोन कर सकता हूँ। और ये चीज हमारे स्पोनर में भी काम करते है, जैसे गोलम का एक मेंडर डाल दूं तो ये इसमें भी काम करेगा। इसी के साथ यहाँ पर एक एंडर ड्रैगन का भी अंडा होता है लेकिन वो ऐसे नहीं दिखेगा, यहाँ से हमें खुद लेना पड़ेगा। तो ये वाला है एंडर ड्रैगन का स्पून एग जो कि कुछ इस तरीके का होगा, तो एंडर मैन को अरे मतलब एंडर ड्रैगन को बुला सकता हूँ मैं। इसी के साथ आप अपने ऑप्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पर कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा ये वाला ऑपरेटर आइटम टैब्स, इसको जब आप ऑन करोगे तो आपके इन्वेंटरी में एक और ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऑपरेटर यूटिलिटीज, यहाँ से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं जो कि क्रिएटिव मोड की होती है, जैसे कमेंट ब्लॉक है या डिबग लाइट है। ये पेंटिंग कौन सी है? ये 2x2 की पेंटिंग है और ये पानी की है और ये वाली है आग की। वैसे आपको तो पता ही होगा कि जो हमारे बैनर्स होते हैं उनको कस्टमाइज करना बहुत इजी होता है जावा एडिशन में, लेकिन ये बेडरॉक में भी आने वाला है। तो 1.20 में बेडरॉक में आएगा ये, जो कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी इन चीजों को भी। तो बेडरॉक में एक अपडेट होगा जो कि स्पेक्टेटर मोड का होगा, तो जैसे हम यहाँ पर चले जाते हैं जावा एडिशन में कुछ भी ढूंढने के लिए तो वही सेम अपडेट आने वाला है हमारे बेडरॉक एडिशन में। इस अपडेट में मोब भी ऐड किए गए हैं जिसमें से एक है स्निफर, बहुत ज्यादा क्यूट होता है और जमीन से बीज निकालता है। तो इसका काम क्या होता है कि एशियन सीड निकाल के देगा, जिसको उगाने पे हमें मिलने वाली एक नई चीज जो कि टोर्च फ्लावर। ये टोर्च की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा वो तो बाद में पता चलेगा, पर ये टोर्च जैसा दिखता जरूर है। साथ ही इसमें एक मोब और ऐड होने वाला है जो कि कैमल, और इस अपडेट का सबसे फेवरेट मोब मेरा यही होने वाला है कैमल, क्योंकि इस पर दो लोग बैठ सकते हैं और जंप की तरह एक डैश मारता है जो कि बहुत आगे तक ले जाता है और स्पीड भी अच्छी खासी है, नीचे से मोब भी अटैक नहीं कर पाते इस पर, बस क्रीपर और स्केलेटन को छोड़ के। इसी के साथ जो हमारी वैक्स है उसको भी बिल्कुल बदलने वाले हैं। अगर पहली वाली वैक्स देखे वो थोड़ी सी बड़ी होती है लेकिन ये छोटी है और थोड़ी थोड़ी एले की तरह दिखती है, तो शायद से माइनक्राफ्ट वालों ने एक इविल रूप बनाया है एले का जो कि वैक्स है। पर आगे अपडेट जब आएंगे धीरे धीरे तो स्टोरी का पता चलेगा कि क्या स्टोरी हो सकती है इनकी भी। इसके अलावा एक खास अपडेट हो रहा है जो कि आर्कियोलॉजी को लेके आया है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको ब्रश मिलता है और आपको सैंड को घिसना पड़ता है, उससे आपको सामान मिलेगा। तो इस अपडेट में एक नई तरह की सैंड हो रही है जो कि
से सैंड होगी, जिसको घिसोगे उसमें से सामान मिलेगा और सामान के साथ साथ आपको कुछ टुकड़े भी मिलेंगे, जिससे एक चीज बनेगी जो कि है पोर्ट, एक पैटर्न पोर्ट है। और जितना भी अभी तक दिखाया गया है ना, मुझे लगता है डेकोरेटिव ब्लॉक होने वाला है, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा इसका। इसी के साथ जो हमारा डेजर्ट टेम्पल है उसको भी बदला गया है, उसमें एक नया रूम ऐड किया हुआ है जो छुपा हुआ रूम है, और उस छुपे हुए रूम में सस्पिशियस सैंड ज्यादा मिलती है। पर कह नहीं सकते कि आगे आने वाले अपडेट में उसमें कुछ चेस्ट वगैरह ऐसी चीज मिल जाए ताकि हमें और खजाना मिले। साथ ही जो हमारे डेजर्ट के कुएं है उनको भी अपडेट किया गया है, उसमें भी सस्पिशियस सैंड मिल सकती है, वहां पर भी आप खजाना ढूंढ सकते हो। अभी तक वो खाली पड़े हुए थे लेकिन अब वहां पर भी खजाना मिल सकता है। इसी के साथ हमारा जो बंडल काफी टाइम से चलता आ रहा है, मतलब साल भर से सुनते आ रहे हैं बंडल के बारे में, तो वो आने वाला है 1.20 में। अब हाथ में भी काफी आसान हो जाएगा सामान रखना। इसी के साथ इलाइट्रा में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है कि जब हम अपनी इलाइट्रा को पहनते हैं तो हमारा जो आर्मर है वो उतरता नहीं है, हमें मैनुअली उसको पहनाना पड़ता है। लेकिन अब उसको इन हैंड में भी पहन सकते हैं बड़ी आसानी से, बस राइट क्लिक करते जाओ और पहन सकते हो। और एक और चीज ऐड करी गई है जो कि हमारे हॉर्स वगैरह है उन पे भी हम अपने आर्मर और सैडल को राइट क्लिक करके पहना सकते हैं। पहले उनको खोलना पड़ता था, खोल के पहनानी पड़ती थी, लेकिन अब राइट क्लिक से ही पहना सकते हैं। बाकी जो हमारे लामा वगैरह है उन पे भी यही चीज काम करेगी अब। इसी के साथ एक खास चीज और अपडेट हुई है जो कि स्मिथी टेबल को लेके, यहाँ पर हमारी नेदरराइट बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है और इसके लिए हमें चाहिए स्मिथिंग टेम्पलेट। और ये टेम्पलेट मिलेगा आपको नेदर में, बस आपको ढूंढना है और इस टेम्पलेट को चाहो तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेदरराइट और ये टेम्पलेट और आपका आर्मर, तीनों चीजें चाहिए अपने आपको नेदरराइट का आर्मर पहनाने के लिए। इसी के साथ हम अपने आर्मर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसके लिए एक ट्रिम्स चाहिए होगा और ये ट्रिम्स मिलता है किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे नेदर में हो या एंड सिटी में हो, ये कहीं से भी मिल सकते हैं और सब जगह अलग अलग मिलते हैं, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं स्मिथी टेबल में। लेकिन इसके लिए आपको एक कलर देना होगा, जिसके लिए आपको अपने मेटल्स वगैरह यूज करने होंगे, जैसे लैपिस यूज करना होगा या आयरन यूज करना होगा, गोल्ड यूज करना होगा, तो इस तरीके से आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे आगे। वैसे आपको पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर मोब हेड भी आ चुके हैं जो कि एक चार्ज क्रीपर के फटने से मिलता है, लेकिन अब एक पिगलिन मोब हेड भी आने वाला है जो कि सेम ऐसे ही मिलने वाला है। शायद से इस चीज के लिए पिगलिन को ओवरवर्ल्ड में लाना पड़ेगा ताकि हम अपने चार्ज क्रिपर से इसको फोड़ सके या चार्ज क्रिपर को अंदर ला सके अपने नेदर में। इसी के साथ एक अपडेट हो रहा है कि जितने भी मूव हेड है इन सब में साउंड डाल दी गई है, जिसके लिए आपको नोट ब्लॉक पे रखना होगा और जब नोट ब्लॉक को चालू करोगे तो इनमें से साउंड निकलती है अलग अलग। क्या दर अपना साउंड है, हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो आपको पता। अब इसी के साथ एक खास अपडेट हो रहा है जो कि बैम्बू के आइटम्स। पहले बैम्बू सिर्फ स्कार्फ होल्डिंग बनाने में काम आता था, लेकिन अब बैम्बू से सामान बनने वाला है जिससे हम एक बैम्बू का ब्लॉक बना सकते हैं, उसको स्ट्रिप भी कर सकते हैं और बैम्बू के प्लैंक्स बना सकते हैं, मोजिक बैम्बू बना सकते हैं, बैम्बू के स्टेयर्स बनते हैं, मोजिक स्टेयर बनते हैं, स्लैब बनते हैं, मोजिक स्लैब बनते हैं, बैम्बू के फेंस भी बनते हैं, गेट भी बनते हैं, डोर भी बनते हैं और ट्रैप डोर भी बनते हैं। साथ ही प्रेशर प्लेट है, बटन्स है और साइन बोर्ड है और लटकने वाले साइन बोर्ड भी है। साथ ही हमारे पास राफ्ट है और जो हमारी राफ्ट है उसके साथ चेस्ट भी अटैच होगा। वैसे इसी के साथ एक हैंगिंग साइन भी आने वाले जो कि हर एक लकड़ी से बनने वाले साइन होंगे, ये लटकने वाले साइन होंगे जिसके लिए चेन चाहिए होगी और चेन से बन जाते हैं, तो इनको आप कैसे भी लटका सकते हो, चाहे आप दीवार पे लटकाओ चाहे दीवार पे ठोको, कैसे भी लगाओ इनको। लेकिन इसमें एक कमी है कि एक ही तरफ दिख रहा है, पर आगे अपडेट आने वाले में दोनों तरफ भी दिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और अगर इस हैंगिंग साइन में कोई आइटम लगा दे तो और भी ज्यादा तगड़ा साइन हो जाएगा ये। इसी के साथ इसमें एक नई बायोम भी ऐड होने वाली है जो कि चेरी ग्रोव के नाम से है। ये बायोम भी नॉर्मल बायोम की तरह दिखने वाली है शायद से, तो अभी तक आगे आने वाले टाइम में पता नहीं इसको और भी अच्छे से चेंज करे। चेरी ग्रोव की बायोम में दो चीजें मिलती है, एक तो है चेरी का ट्री जो कि चेरी ब्लॉसम ट्री है और एक मिलते हैं चेरी के फ्लावर्स, या आप इनको बोल सकते हैं पिंक पेटल्स जो कि इसका नाम है। तो गुलाबी रंग की चीज है और एक के ऊपर एक आ जाते हैं चार बार, तो जैसे इसमें आपको लुक अच्छा लगे वैसा आप इसको रख भी सकते हैं। और इसको लेने के लिए आपको शेयर्स की जरूरत पड़ेगी। तो चेरी के पेड़ से हमें क्या क्या मिलने वाला है, चेरी के पेड़ से हमें चेरी का लोग मिलेगा, उसकी वुड मिलेगी, उसके स्ट्रिप्स लोग मिलेंगे और स्ट्रिप वुड भी मिलेगी, साथ ही प्लैंक्स भी मिलेंगे, स्टेयर्स भी मिलेगी, स्लैब है और फेंस है और फेंस गेट भी है, साथ ही डोर है, ट्रैप डोर है, प्रेशर प्लेट है, बटन्स है और चेरी की लीव्स भी है। वैसे तो पेड़ मिलेगा तो लीव्स तो मिलनी है ही, साथ ही सैपलिंग भी मिल जाएगी और उसके साइन बोर्ड है, लटकने वाले साइन बोर्ड भी और बोट भी मिलने वाली है। इसके साथ एक और बुक शेल्फ इसमें ऐड किया गया है जो कि चिजल बुक शेल्फ। ये क्या करता है कि अपने अंदर बुक को रखता है, पहले वाली जो बुक शेल्फ है वो सिंपल दिखते हैं लेकिन ये अपने अंदर बुक को रखता है और ये रेडस्टोन
के साथ भी काम करता है। अगर इस पे कंपैरेटर लगा दो तो कंपैरेटर पता करता रहता है कि इसमें कितनी बुक्स है। इसी के साथ एक कमेंट भी ऐड की गई है जो कि फिल बायोम की कमेंट। अभी तक हम अपनी फिल वाली कमेंट यूज कर रहे हैं ताकि हम अपना फिल कर सके अपना एरिया, लेकिन अब फिल बायोम की भी कमेंट आने वाली है। ये फिल बायोम की कमेंट क्या करेगी कि जो भी बायोम होगी उसको फिल कर देगी। जैसे अकेशिया की बायोम की जो ग्रास है उसको फिल करना है तो वो फिल कर देगी, जैसे चाहो वैसे। इसे में काम आने वाली कमेंट है वैसे। तो ये थे सारे के सारे अपडेट दोस्तों। आप लोग को तो ऑलमोस्ट पता चल गया क्या क्या अपडेट होने वाला है इस 1.20 के अंदर, और बहुत ही अच्छा अच्छा अपडेट हो रहा है सच में बता रहा हूँ। और इस वीडियो देखने को मेरे को भी मजा आ गया, इतना सारा अपडेट होने वाला है 1.20 के अंदर। तो देखते कब अपडेट आता है, बट आता कब है वो तो मैं बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो नहीं बताया जो कब अपडेट होने वाला है 1.20। तो वो तो रिलीज डेट कब है इस वीडियो के अंदर नहीं बताया, बट मैं बता देता हूँ। तो मैं इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत जा गया गूगल मास्टर के अंदर, उधर जाके मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया, एंड रिसर्च करने के बाद उधर पता चला हाँ 1.20 का अपडेट कब आने वाला है। तो ऑलमोस्ट 80% चांस है मैं जो डेट बताऊंगा वही आने वाला है। एंड जो बता रहा हूँ गूगल के अंदर बोला है कि जून में, हाँ जून में आएगा, जून 2023 में आएगा, बट जून का कौन सा डेट में वो नहीं बताया, बट आप लोग 80% बोल सकते हो जून में आएगा ये वाला जो 1.20 का अपडेट। तो आप लोग को सब कुछ तो पता चलेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और ओरिजिनल वीडियो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग चाहते हो उस वाला वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हो। बूटी यूट्यूबर भाई को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, उसका तो बहुत बड़ा चैनल है, बट मेरा तो उतना था चैनल है, तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो, करोगे ना? हाँ कर दो, चैनल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है जल्दी दबाओ और सब्सक्राइब मारो, और वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलते हैं अभी वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन को बता देना, कमेंट सेक्शन नीचे है ना, बताओ यार। मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।